नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों आज तारीख है 6 मई 2019, और कल के लिए यानी 7 मई 2019 के लिए अपने 3-स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया है। उसे किस लेवल पे बाय करना है दोस्तों, किस लेवल पे सेल, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट रहेगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर मैं दूंगा। उसके पहले दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए। देखिए मेरे इस चैनल पर आपको बता दें, कल एक भाई साहब ने मुझसे पूछा था कि कुछ स्ट्रैटेजी भी बताए, तो सर वो उनका नाम तो मैं भूल गया हूँ। आप यहाँ पर प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, मैं अक्सर बताता रहता हूँ, प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जब जाएंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, स्ट्रैटेजी है ना, इसको व्यूफुल प्ले लिस्ट पर जब करेंगे तो इसके अंदर सिर्फ स्ट्रेटेजी ही है सर, अलग अलग स्ट्रेटेजी है, पूरा ऊपर से नीचे तक स्ट्रेटेजी ही भरी हुई है मैंने, है ना। तो इस पूरे फोल्डर को चेक करिए, आपको बहुत सारी चीज आपके काम की मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वो कौन से 3 स्टॉक्स है जिसे कल हम लोग यानी कि 7 मई 2019 मंगलवार को इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। दोस्तों उन तीनों स्टॉक में ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें। यहाँ पर इन स्टॉक्स में मैं सिर्फ अपनी रिसर्च एनालिसिस को आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए पोस्ट करता हूँ, इसलिए इसमें आप ट्रेड लेने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लें, आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। चलिए देखते हैं पहला स्टॉक कौन सा है। सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों सीएट लिमिटेड का, ये सीएट का स्टॉक है। देखिए अगर शुरू के ये 15 मिनट का चार्ट है, 1-2 कैंडल को छोड़ दे तो पूरे दिन भर ये स्टॉक रेंज बाउंड रहा, ना ऊपर गया ना नीचे, बिल्कुल सस्टेन हो गया एक जगह पर, इस वजह से सीएट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों जब सीएट 1050 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, बाय अबव 1050, और पहला टारगेट होगा दोस्तों इस कंडीशन में 1056 का यानी कि 1056 का, दूसरा टारगेट होगा 1062 का 1062 का, और तीसरा टारगेट होगा 1068 का यानी 1068 का, स्टॉप लॉस रहेगा 1044 यानी 1044 का। अगर सीएट 1035 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, सेल बिलो 1035, और पहला टारगेट होगा दोस्तों इस कंडीशन में हमारे पास 1029 का यानी 1029 का, दूसरा टारगेट होगा 1023 का 1023 का, और तीसरा टारगेट होगा 1017 का 1017 रुपये का, स्टॉप लॉस रहेगा 1041 यानी कि 1041 रुपये का। और दोस्तों शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी ट्रेड को अवॉइड करें, 5 मिनट के बाद ही स्टॉक हमारे बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करता है तो ही ट्रेड करें, और बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। यह मेरा पहला स्टॉक सीएट। हमारा दूसरा स्टॉक है दोस्तों गॉडफ्रे फिलिप का। देखिए ये गॉडफ्रे फिलिप का चार्ट है, ट्रायंगल पैटर्न है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर ये बिल्कुल ट्रायंगल पैटर्न को अपने सपोर्ट प्राइस पर काफ़ी अच्छे तरीके से एक इसने होल्ड किया हुआ, और एक कैंडल के अंदर ही पूरा दिन इसने अपने आप को सस्टेन कर लिया, ऊपर से ट्रायंगल पैटर्न भी बनाया हुआ है गॉडफ्रे फिलिप ने। तो दोस्तों जब गॉडफ्रे फिलिप 1065 को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे, बाय अबव 1065। पहला टारगेट होगा दोस्तों इस कंडीशन में 1072 का यानी 1072 का, दूसरा टारगेट 1079 यानी कि 1079 का, और तीसरा टारगेट 1086 यानी कि 1086 रुपये का, स्टॉप लॉस रहेगा 1058 का यानी कि 1058 रुपये का। और अगर गॉडफ्रे फिलिप जो है 1050 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, सेल बिलो 1050, और इस कंडीशन में पहला टारगेट होगा दोस्तों 1043 का यानी 1043 रुपये का, दूसरा टारगेट होगा 1036 का 1036 रुपये का, और तीसरा टारगेट 1029 का होगा यानी 1029 रुपये का, स्टॉप लॉस 1057 का होगा यानी कि 1057 रुपये का। और दोस्तों फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक आता है तो जरूर अपना 50-70% क्वांटिटी बुक कीजिए, और बाकी का आप स्टॉप लॉस सेल कर सकते हैं। हमारा तीसरा और अंतिम स्टॉक है दोस्तों सन टीवी का। देखिए सन टीवी का लेवल बताने से बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों तो वहाँ भी ज्वाइन कीजिए, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ। तो देखिए सन टीवी बिल्कुल 2 दिनों से एक रेंज बाउंड हो चुका है, बिल्कुल ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे, ऊपर 560 का रेजिस्टेंस है और नीचे 550 का सपोर्ट है, बिल्कुल इसके रेंज में फंस गया है सन टीवी। तो सन टीवी दोस्तों जब 560 को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे, बाय 560, और पहला टारगेट होगा दोस्तों 564 का यानी 564 रुपये का, दूसरा टारगेट 568 का 568 रुपये का, और तीसरा टारगेट 572 का यानी 572 रुपये का होगा, स्टॉप लॉस 556 का होगा यानी कि 556 रुपये का। और अगर सन टीवी 550 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, सेल बिलो 550, और इस कंडीशन में जो पहला टारगेट होगा दोस्तों 546 का यानी 546 रुपये का,
दूसरा टारगेट 542 का 542 रुपए का और तीसरा टारगेट 538 का होगा यानी 538 रुपए का। स्टॉप लॉस रहेगा 554 का यानी कि 554 रुपए का। दोस्तों बार बार कह रहा हूँ बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल भी आप ट्रेड ना करें वरना सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉप जिसे कल हम लोग 7 मई 2019 मंगलवार को ट्यूजडे को इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लें। मेरी सारे वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।